पोको X3 Pro इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। दोस्तों मैं आपको आज के वीडियो में पोको X3 Pro की फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। कब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा और मेन बात क्या प्राइस के साथ ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, सभी डिटेल्स मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसके बहुत सारे लीक्स कंफर्म निकल कर आ चुकी है, यही स्पेसिफिकेशन के साथ ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो क्या है वो स्पेसिफिकेशन, सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट। दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मैं आपको पोको X3 Pro की फुल डिटेल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो डिस्प्ले की बात करें, इस वाले स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होगी और 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है और 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले तो दोस्तों ओवरऑल आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वाले स्मार्टफोन में कोलकॉम स्नैपड्रैगन 860 वाला प्रोसेसर हो सकता है। लीक्स दोस्तों इसके बारे में यही निकल कर आ रही है, बहुत सारी जगह पर लिस्ट हो गया है, यही प्रोसेसर इसके बारे में निकल कर आ रहा है। पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस आपको इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी चार्जर के बारे में, इस वाले स्मार्टफोन में 5200mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब और जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो तो आपको अच्छी मिल जाएगी और 33W का चार्जर वो आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज कर देगा। जाती है कैमरे के बारे में बात करें, 64MP कोड कैमरा सेटअप आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है, जिसमें 64MP प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे कोड कैमरा सेटअप मिलेगा। टेलीफोटो सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 4K 30-60fps का वीडियो शूटिंग भी कर सकते हो और साथ में दोस्तों 20MP का सेल्फी कैमरा भी होगा। ओवरऑल कैमरा इस वाले स्मार्टफोन में आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो MIUI 12 जो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों देखने को मिल जाएगा। UFS 3.0 का सपोर्ट भी मिलेगा, LPDDR4X वाले रैम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लीक्स दोस्तों यही इसके बारे में निकल कर आ रही है। और दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, ऐसे सब एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ये थे सब मेन स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं क्या प्राइस के साथ वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा और मेन बात कब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों इसकी डेट निकल कर आ चुकी है, 30 मार्च को आपको ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में यही लीक्स आ गई है। और दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 6GB की रैम 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB स्टोरेज। तो इसके जो बेस वेरिएंट होगा 6GB की रैम 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस आपको 25,000 तक इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। लीक्स दोस्तों यही निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने आपको पोको X3 Pro की फुल डिटेल्स बताई, क्या प्राइस होगी इसकी इंडिया में और कब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, सभी डिटेल्स बताइए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। और दोस्तों पोको F3 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो देखना चाहते हो चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना मत भूलना। दोस्तों मिलता है आपको वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।